हेलो, दिस इज़ फैज सर हियर। वेलकम यू ऑल टू स्टडी फ्रॉम होम। लेट स्टार्ट विथ अ क्लास सिक्स सोशल साइंस हिस्ट्री पोर्शन विथ अ चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट स्टार्ट विथ अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। Find Mehrgarh on map number 2. In your book, it is given on page number 13. As we already have seen such map or this map for the purpose that how the first farming and herding begin. This site is located in a fertile plain. यानी मेहरगढ़ एज बट ऑब्वियस है डेट के जहाँ पे और या फिर जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं या फिर हम लोगों को पता चल गया है डेट कि मेहरगढ़ एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स पाए गए हैं। देन फार्मिंग्स एक्टिविटी वहाँ पे पाई गई, डेट मीन्स कि वहाँ की जो लैंड होगी, वहाँ का जो सॉइल होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। मीन्स इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू ग्रो क्रॉप्स इजीली। सो मेंशन हियर इज फर्टाइल प्लेन, मीन्स कि वहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ही फर्टाइल थी। नियर द बॉलन पास which is one of the most important route into Iran, और वो कहाँ पर आई है, बॉलन पास के पास आई है। और ये जो बॉलन पास है वो सबसे important route है कहाँ तक, मेहरगढ़ से ईरान तक जाने का, या फिर नावदेज मेहरगढ़ को कश्मीर कहते हैं। देन कश्मीर से ईरान जाने के लिए ये एक बहुत ही important route है या फिर था। सो अंडरलाइन दिस, दिस साइट लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बॉलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। यहाँ तक आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। मेहरगढ़ वॉज probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat. As we already have discussed that the first farmer and herders have been found at these places. So it is quite obvious that वहाँ के जो women and men थे जिन्होंने barley and wheat को grow करना start किया या फिर grow करना सीख लिया and rear sheep and goats for the first time in this area, और उन लोगों ने वहाँ पे sheep और goats को पहली मर्तबा क्या किया, rear किया, means उनको पाला। So this also we have discussed in previous points. It is one of the earliest villages that we know about. और मेहरगढ़ की एक खासियत ये भी है दैट के ये सबसे पुराने विलेजेस में से माना जाता है। मीन्स कि जो हमारी कंट्री में सबसे पुराने जो विलेजेस है अर्लीस्ट टाइम के, कि जब एंशेंट पीपल रहा करते थे उस टाइम में भी ये जो मेहरगढ़ है राइट वो सबसे पुराने विलेजेस में शामिल होता है या फिर जाना जाता है। नाउ विलेज, विलेज की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव्ड देयर आर एंगेज इन फूड प्रोडक्शन। यानी ये चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है दैट के विलेज, जैसे ही हमारा विलेज का नाम आता है और वहाँ के जो लोग हैं देन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन सबसे पहले या फिर ज़्यादातर हम सब लोगों के माइंड में एक ही इमेज क्रिएट होगी दैट
कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन के ऊपर क्या करते होंगे, डिपेंडेंट होंगे या फिर वही एक्टिविटी में एंगेज होंगे, जिसे हम आम तौर पर फार्मिंग कहते हैं, या फिर ऐसा कहे दैट के गांव में विलेजेस में ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. तो archaeologists के जो generally one place to another place क्या करते रहते हैं, evidence find करते रहते हैं, digging the surfaces of the earth. So उनको वहाँ पे animals bones मिले जो earliest levels के थे। This included जिनमें शामिल है bones of wild animals such as the deer and pig, जिनमें wild animals के जो bones है वो पाए गए, जिनमें शामिल है deer and pig. In later levels they found more bones of sheep and goat. Sorry. And in still later levels cattle bones are most common, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people. यानी सबसे पहले उनको wild animals के bones मिले जिनमें deer and pig, फिर उसके बाद का जो later उसके बाद का जो level है उसमें उन लोगों को sheep and goat मिले, फिर उसके बाद का जो level है उनमें उनको cattle bones मिले जो बहुत ही कॉमन थे। और सो ये चीज़ मिलने के बाद उन्होंने ये सजेस्ट किया, यानी उन्होंने अपना एक कंक्लूजन बनाया दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। ये वो एनिमल्स होंगे जो उस टाइम में वो लोग अपने पास क्या करते होंगे, केप्ट रखते होंगे या फिर उनको रियर करते होंगे, राइट। So this paragraph is also important for you to understand. So take this paragraph as an important one. Earlier and later levels. As we have discussed here about earliest levels and after that later levels. But what it means? So let's see. When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? यानी जब archaeologists earth के कुछ layer को क्या करते हैं, dig करते हैं या फिर sites पे dig करते हैं, then किस तरीके से उनको पता चलता है that कि ये earliest level है और ये later level है, then ये चीज़ बतलाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है या फिर एग्जांपल दिया है। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन फ्लैट लैंड दैट यू कैन से लेयर फोर, ओवर द इयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज। यानी जैसे जैसे वो वहाँ पे रहते रहते रहा करते हैं या फिर रहते हैं, टाइम के साथ साथ उन वो जिस फ्लैट लैंड के ऊपर रहते हैं वो जो सरफेस होता है वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, अप हो जाता है। वो कैसे होता है बाद में मैं एग्जांपल दे ही रहा हूँ। बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटीरियल एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेस इन द सेम प्लेस। और उसका एक रीज़न ये भी है दैट के जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो या तो जो वेस्ट मटेरियल होता है मीन्स के जिसके ऊपर वो अपना घर नहीं बना सकते, तो ऐसा जो मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, या फिर कहीं पे वो लोग अगर वहाँ पे ट्रीज़ है, ग्रीनरीज है, देन वहाँ पे रहने के लिए उसको पहले क्या कर देते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं और फिर बाद में वहाँ पे अपना हाउस या फिर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। After hundreds of years और करीब 100 साल के बाद या फिर कुछ centuries के बाद this leads to the formation of a mound।
तो ये क्या हो जाता है, माउंड बन जाता है. माउंड मीन्स जनरली द पाइल ऑफ सैंड स्टोन्स रॉक्स, राइट. यानी एक तरीके से एग्जांपल दूँ या फिर आपको कहूँ तो क्या हो जाता है, जैसे कि आमतौर पर, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ दैट के लेयर में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं. दैट के एक प्रैक्टिकल चीज़ जो आप लोगों ने देखी होगी या फिर आपने आपके बड़ों से सुना होगा, दैट कि हम जिस घर में रहते हैं, राइट, वो घर या फिर वो हाउस 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले या फिर जब हम लोग रहने आए तब, ये जो यानी स्टेप्स है वो स्टेप्स चढ़ के हम घर में आते थे. लेकिन आज ये हालात है दैट के हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स को चढ़ के कहाँ पे जाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ता है. मीन्स इतना जो सरफेस का जो लेवल है या फिर लेयर है वो क्या हो गया है, अप हो गया है. तो जब इसी जगह पे जब रोड बनाने के लिए या फिर किसी और वजह से, राइट, क्या किया जाता है, उसको वो सरफेसेस को डीक किया जाता है, देन उसमें से काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे. देन जहाँ पे आप देख सकते हो दैट के जो टॉप ऑफ द लेयर होता है वो मिट्टी वाला होता है, फिर उसके बाद में जो लेयर होता है, देन वहाँ से स्टोन्स एंड रॉक्स एवरीथिंग ऐसा सारा मिलता है, राइट. एंड आफ्टर दैट उसके बाद थोड़ी बहुत काली मिट्टी मीन्स ब्लैक सॉयल वहाँ पे देखने को मिलते हैं, एज वेल एज कई कबार यानी सैंड देखने को मिलता है. एंड पहले यानी कुछ डीक करने के बाद उसमें से कुछ प्लास्टिक्स और कुछ चीज़ें जो प्यूरीड हो गई होगी, मीन्स पहले दफन हो गई होगी, ऐसी चीज़ें उसमें से मिलती है. सो माउंड मीन्स कुछ ऐसे लेयर्स, जब आप उसको डीक करते हो देन कुछ ऐसे लेयर्स सैंड स्टोन्स और अदर पार्टिकल्स जो मिलते हैं, देन दैट इज एक्चुअली नोन एज माउंड. सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, यानी जब इसको क्या किया जाता है, डिग किया जाता है, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम अपर लेयर्स ऑफ द माउंड इज जनरली फ्रॉम अ लेटर टाइम. यानी जो पहले सतह से पाया जाता है देन उसे क्या कहते हैं, लेटर लेवल कहते हैं. देन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेयर्स of the mound which are older. यानी जैसे कि यहाँ पे हम बात करें that कि ये first layer जो है उसको अगर dig करते हैं then this is a later layer. फिर उसके बाद अगर second को करते हैं then first से जो old है वो कौन सा होगा, second वाला. फिर उसके बाद अगर third यानी dig करते हैं then इस तरीके से चार layer निकलते हैं, four layers निकलते हैं, तो ये जो fourth one है which is the older, oldest or earliest one. So, these upper and lower layers are often referred to as levels. So, कुछ इसी तरीके से archaeologists को पता चल जाता है that के किसे upper layer और lower layers कहते हैं या फिर किसी को later levels और earliest levels कहते हैं. So, now you also understand or I just hope that your concept is pretty much clear, that you understand that what is called earliest, what is later, right? So look at layers 2 and 3, which do you think is the earlier? Then here, as I have already discussed and already said that 2 and 3rd, then the third one is earliest, right, or you can say earlier, and the second one is later. Now here are the things which I have mentioned in my previous video in the last, that one of the most interesting and funny part, so kindly concentrate here. Other finds at Mehergarh include remains of square and rectangular houses. Each house had four or more compartments, some of which may have been used for stories. जैसे कि नावादीज भी ज़्यादातर हमारे जो houses होते हैं वो कैसे होते हैं, square और rectangular houses
हाउसेस ही होते हैं जो आमतौर पर जिसमें कंपार्टमेंट्स मीन्स बेडरूम्स, फोर बेडरूम्स या फिर उससे ज़्यादा बेडरूम्स होते हैं, राइट। बट जब हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की, देन वहाँ पे जो ऐसे हाउसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, उनका यानी क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, दैट यू कैन सी। सो जिनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स मीन्स कुछ बेडरूम्स क्या करने के लिए यूज़ होते थे, उठने बैठने रहने के लिए यूज़ होते थे, वहीं पे कुछ बेडरूम्स ऐसे होते कि जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होते। नावरदेज तो हमारे घर में क्या होता है, दैट के एक स्टोर हाउस या सॉरी स्टोर रूम होता है, राइट, जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत छोटे थे तब, यानी आप जो साइकिल चलाते थे या फिर जो टॉयज़ आप यूज़ करते थे या फिर कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आपने देखी नहीं है, राइट, जो शायद आपके पेरेंट्स की होगी, देन ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है। जब फिर उसको क्या किया जाता है, कई मर्तबा आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब उसको साफ़ किया जाता है देन ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने आती है। सो लाइक नावरडेज यू कैन सी सच स्टोर रूम्स इन आर हाउसेस द सेम वे, राइट। उस टाइम में वहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट, एक रूम होता जिसको वो स्टोरिंग के लिए या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, उसमें चाहे ग्रेन्स हो या फिर मटेरियल्स दैट दे वांटेड टू स्टोर। नाउ मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। व्हेन पीपल डाई द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, जो आमतौर पर होता है, राइट, कि जब किसी के रिलेटिव्स क्या हो जाते हैं या फिर कोई गुजर जाता है, देन उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, यानी उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करना, राइट, एवरीथिंग। लेकिन उस टाइम में रिस्पेक्ट देते थे, पीपल लुक आफ्टर देम, सो जो गुजर जाते उनके उनका क्या रखते थे, बहुत ही ख्याल रखते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी ऐसा माना जाता था डेथ के जो इंसान गुजर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, राइट, वो मरने के बाद भी क्या रहता है, जिंदा रहता है। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, तो उनके टाइम में ये जो ब्यूरियल मीन्स के जो दफनाने की एक रिचुअल है, जो कस्टम है, राइट, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के की जाती थी। दैट क्या होता था, सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, के वहाँ पे कुछ सेवरल 3 से 4 साइट्स ऐसी पाई गई है जो ये ब्यूरियल साइट्स मीन्स कि वहाँ उस टाइम में जब लोग गुजर जाते, जिनकी डेथ हो जाती, उनको वहाँ पे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इन वन इंस्टेंस, पहली मर्तबा देखे देन, द डेड पर्सन वॉज ब्यूरीड विथ गॉड्स, जो डेड पर्सन होता वो किसके साथ होता, किसके साथ उनको ब्यूरीड किया जाता, गॉड्स के साथ, विच वर प्रॉबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी ऐसा माना जाता कि जो इंसान गुजर गया है, अब जिनको उन्होंने क्या किया है, दफन किया है, तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन को तो ब्यूरीड करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो जिंदा एनिमल्स होते उनको उनके साथ क्या करते, दफन करते। किस वजह से, दैट के जिनको हम दफनाने के बाद क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे घर पे आने के बाद वो इंसान वहाँ पे क्या होता है, जिंदा होता है, और उसके बाद अगर उसको भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, देन उसके ये खाने पीने के अरेंजमेंट्स के लिए उनके साथ साथ क्या दफनाया जाता था, एनिमल्स भी दफनाए जाते थे, जो यहाँ पे बतलाया गया है डेट के किसी साइट्स पे ऐसा पाया गया है डेट के जो पर्सन डेथ हुए हैं, जिनको ब्यूरीड किया है, जिनको दफनाया गया है, उनके साथ साथ गॉड्स को भी क्या किया गया है, दफनाया गया है। सो नॉट ओनली दिस, लेकिन
ऐसा भी माना जाता है डेट कि जो इंसान गुजर गया है, जिनको दफनाया गया है, देन वो कब्र में क्या होंगे, जिंदा होंगे, तो फिर उनको क्या लगेगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो वो खाना किस में खाएंगे, राइट। तो इस वजह से भी उनकी ब्यूटी, यानी उनको दफनाते हैं उसके साथ साथ एनिमल्स को रखा जाता और उनके लिए बर्तनों को भी रखा जाता था, दैट इन विच पॉट्स दे विल ईट और दे ड्रिंक वाटर। सो हियर एन एग्जाम्पल, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। इन वॉट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन विच यू लिव, एज आई हैव कंपेयर हाउसेस ऑफ मेहरगढ़ एंड आर्स दैट वी आर लिविंग नावर डेज। अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द गोड्स, राइट। देन हियर सम स्केलेटन्स वर गिवन ऑफ गोड्स दैट यू कैन ईजीली फाइंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अ क्लोजर लुक डाउजली हेडिंग, फाइंड डाउजली हेडिंग ऑन मैप 2 ऑन पेज नंबर 13 इन योर बुक। दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, यानी ये बिल्कुल ही ईस्ट में ऑलमोस्ट आई हुई जगह है जो ब्रह्मपुत्र वैली के ऊपर क्या है, लोकेटेड है, राइट, और जो आमतौर पर हिल्स के नज़दीक है। क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार, यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर लेना, राइट, कि यहाँ का जो रूट है यानी दाउजली का जो रूट है वो ज़्यादातर लीड करता है, मीन्स चाइना और म्यांमार से क्या, चाइना और म्यांमार को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। Here, stone tools including mortars and pestles have been found. यहाँ पे ज़्यादातर stone tools जिनमें mortars and pestles शामिल है वो सारे पाए जाते थे। This indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. यानी दाउजली के जहाँ पे मोर्टार्स एंड पेसल्स के जो आम तौर पर ऐसे टूल्स हैं कि जो एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, सो ऐसी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, देन वो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा कर रही है दैट के यहाँ पे ये टूल्स को ज़्यादातर किसके लिए क्या यूज़ किया करते होंगे, ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। Other finds include zadite. Zadite means a stone that may have been brought from China. So zadite is a name of stone. जो usually कहाँ से मंगवाया जाता था, China से मंगवाया जाता था या फिर China से खरीदा जाता था, sorry, लाया जाता था। Also common are finds of tools made of fossil wood. यानी उसके अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स थे जो फॉसिल वुड मींस के जिनको एंशिएंट टाइम में क्या तो क्या हो गया होगा, जला दिया होगा या फिर वो ब्यूरीड हो गए होंगे, देन फिर उसके बाद में वो मिलते हैं। एंशिएंट वुड दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन, या फिर कुछ ऐसे वुड के जिनको यानी टूल्स बनाने के लिए उनको हार्डन किया है, राइट, एंड पॉटरी। सो वहाँ पे पॉटरी भी मिली है जो आमतौर पर बहुत ही फेमस है, जो यूजुअली यहाँ की जो पॉटरी है वो आपको म्यूजियम में ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। So I just hope that all the concepts and all the things which I have explained, right, your concept is clear and now you all are able to understand all the things mentioned in this chapter 2. So thank you and have a nice day.